ग्रीव अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थी दास ग्रीव उदारिया सतगुरु मिले कबीर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको कवरेज यहाँ पे दिखाई सतलोक आश्रम खमानों में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली। दो दिन में काफ़ी सारे यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहा। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे लोगों को ये बताया जाता है कि संत रामपाल जी क्या ज्ञान देते हैं, क्या वो ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारे शास्त्रों से आधारित है। देखेंगे, अंदर जाके जायजा लेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आज यहाँ पे तैयारियाँ इन्होंने प्रदर्शनी की हैं। दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी के बिल्कुल अंदर खड़े हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिस लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता का सार लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में क्या लिखा है, इस तरह से बहुत ही सुंदर इन्होंने दर्शाया है कि जो भी अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे कि संत रामपाल जी जो है वो हमारे शास्त्रों से विरुद्ध ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो आपको हम पीछे भी बताते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का कुछ फ्लैक्स लगाई गई है। तो यहाँ पे भी हम जो संत रामपाल जी ने पुस्तकें लिखी हैं, सभी पुस्तकों का यहाँ पे पोस्टर लगाए हैं, आप देख सकते हैं। आगे आपको हम दिखा दें तो यहाँ पे और भी फ्लैक्सेस यहाँ पे लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पे ऋग वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 94 के श्लोक 3 में ये लिखा हुआ है, पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करता है, वे कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। ये ऋग्वेद के पूरे इन्होंने श्लोक यहाँ पे बताए हैं कि किसी प्रकार की किसी को शंका ना हो कि संत रामपाल जी जो हैं वो ज्ञान सही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो हमारे अमर ग्रंथ के हिसाब से यहाँ पे फ्लेक्सिस में उन्होंने पूरे मेंशन किए हैं ताकि लोग इनको पढ़ें। तो आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कुछ और भी फ्लेक्सिस लगाई हैं प्रमाण सहित। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लेक्स देखने को मिल रही है हमें, कुरान शरीफ। यहाँ पे कुरान का भी पूरा इन्होंने प्रमाण दिखाए हैं और साथ में यहाँ पे कुछ अमर ग्रंथ रखे हैं ताकि जो भी लोग आ रहे हैं वो फ्लेक्स पढ़ के प्रमाण पुस्तकों में देख सकें। तो दूसरी साइड देखेंगे यहाँ पे तो जैन धर्म की फ्लेक्स लगाई गई है। जैन धर्म की भी यहाँ पे पुस्तक इन्होंने रखी है ताकि अगर कोई लोग आ रहे हैं जिनको कोई भी डाउट रहता है तो वो आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के जितने भी अमर ग्रंथ हैं सभी यहाँ पे प्रमाण सहित रखे हुए हैं। आप मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगी कि थोड़ा जूम करके दिखाइए कि कौन कौन सी यहाँ पे पुस्तक इन्होंने यहाँ पे रखी है। काफ़ी सारी पुस्तकें यहाँ पे इन्होंने रखी हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिस लगाई गई हैं और काफ़ी सुंदर यहाँ पे इन्होंने डेकोरेट किया गया है इस प्रदर्शनी को। यहाँ पे देखते ही इसकी जो सुंदरता है वो बन रही है। जैसे कि पवित्र बाइबल का भी सार इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट होता है तो वो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस यहाँ पे लगाई हैं, लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है और वह यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार का संत रामपाल जी जो हैं वो ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आपने काफ़ी सारे समागम देखे होंगे लेकिन इस प्रकार का किसी ने ज्ञान का प्रचार नहीं किया है, केवल संत रामपाल जी जो हैं वो इस प्रकार का अपना ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दर्शकों, आपको हम बता दें कि यहाँ पे और भी अमर ग्रंथ रखे हुए हैं, जैसे श्रीमद् देवी भागवत एक ये भी यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि ये जो गीता है वो हिंदू धर्म में ज़्यादा मानी जाती है। तो आपको बता दें कि सामने एक फ्लेक्स लगाई गई है गुरु ग्रंथ साहिब की। जो भी यहाँ पे सिख धर्म के लोग आ रहे हैं वे प्रमाण सहित अपनी गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बुक है वो पूरी पढ़ सकें। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी द्वारा एक फ्लेक्स यहाँ पे लगाई गई है, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक का लघु चित्र।
यहाँ पे पूरा बताया गया है कि यहाँ पे संत रामपाल जी ने क्यों बताया गया, ये किस ब्रह्मांड का पूरा लघु चित्र बताया है कि सतलोक जो है वो अलग चीज है, अलग जगह है, और ये काल लोक में जो रह रहे हैं लोग उसका पूरा प्रमाण सहित इन्होंने पूरा ये लघु चित्र बताया। दूसरी साइड आपको हम बता दें तो यहाँ पे उल्टा बट वृक्ष बताया है। उल्टा बट वृक्ष काफ़ी सारे सत्संगों में भी संत रामपाल जी बताते रहे कि जो उल्टा बट वृक्ष है वो एक संसार रूपी वृक्ष का पूरा उन्होंने प्रमाण यहाँ पे बताया है कि आपको जैसे कि आपने देखा ही होगा कि संत रामपाल जी काफ़ी चर्चित में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सभी में उनका ज्ञान जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो उसी को जगाने के लिए, संसार को जगाने के लिए संत रामपाल जी ने एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया है। दर्शकों, हमने आपको पूरी प्रदर्शनी का यहाँ पे व्यू दिखाया, जिस प्रकार से इन्होंने अमर ग्रंथ रखे हैं और प्रमाण सहित फ्लैक्सेस लगाई हैं। कुछ यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि पूरे ज्ञान यहाँ पे संत रामपाल जी का ज्ञान बता रहे हैं, संत रामपाल जी के शिष्य लोगों को। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर किसी को किसी प्रकार की शंका होती है तो वह संत रामपाल जी के अनुयायी से वो जान सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे अमर ग्रंथ रखे हुए हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है हमें, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस यहाँ पे लगाई हैं प्रमाण सहित इन्होंने। तो आइए, हम अभी कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रखे थे, क्या कुछ तैयारियाँ इन्होंने प्रदर्शनी के लिए की थी। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव दास है जी, मैं फाजिलका पंजाब से हूँ जी। जी सर, यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी लगाई है ये क्यों लगाई है, इसका क्या मोटिव है? इसका मोटिव ये है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है, क्योंकि इस भंडारे के अंदर 26, 27 और 28 तीन दिन का जो दिव्य धर्म यज्ञ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो मनाया जा रहा है, उसके अंदर जो भी भक्त जन और जो पहली बार लोग आते हैं उनको ये बताना भी जगत गुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो तत्व ज्ञान है, शास्त्रों के अनुकूल है और भक्ति शास्त्रों के अनुकूल ही करनी चाहिए, ये इसलिए हमने प्रदर्शनी लगाई है। और जैसे कि सर, यहाँ पे अगर कोई बाहर के लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे जो अमर ग्रंथ रखे हैं और जो फ्लेक्सेस लगाई हैं, क्या वो प्रमाण आप उनको बुक्स में दिखाते हो? जी बिल्कुल, जो हमने यहाँ पर सदग्रंथ रखे हुए हैं, जो आज तक हमारे को सिर्फ सदग्रंथ बताए गए थे, दिखाई नहीं गए थे, क्योंकि जब हम हिंदू धर्म के अंदर आते हैं तो हमारे को ग्रंथों के बारे में बताया जाता है, दिखाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको फ्लैक्स के माध्यम से हाईलाइट किया गया है भी हमारे ग्रंथों के अंदर ये लिखा हुआ है और हमारे पास ग्रंथ भी रखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें देख सकते हो, और दिखाते भी हैं। हमारे भगत यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं वो उनकी हर शंका का समाधान करने के लिए तत्पर है और सेवा में है। यहाँ पे कौन कौन से धर्म के अमर ग्रंथ रखे गए हैं? हमारे पास यहाँ पर पवित्र हिंदू धर्म, पवित्र सिख धर्म, पवित्र ईसाई धर्म और पवित्र मुसलमान धर्म के जो ग्रंथ हैं वो भी पड़े हैं। उसके अलावा हमारे पास पुराणों भी पड़े हैं, पुराण भी हमारे पास रखे गए हैं। जैसे कि सर, यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि काफ़ी सारी फ्लेक्सेस रखी गई हैं और कुछ श्लोक यहाँ पे लिखे हैं उन पे और प्रमाण लिखे हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे हम? बिल्कुल जी, जैसे हमने यहाँ पर फ्लैक्स लगाए हैं, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 हमने उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। जब हम गीता उठाते हैं तो हमारे को उसमें तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है, लेकिन उसको आज तक हमारे को किसी ने ये नहीं बताया भाई वो तत्वदर्शी संत कौन होता है और वो क्या ज्ञान देता है। और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी के अंदर पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर शास्त्र अनुकूल और शास्त्र निहित ज्ञान दे रहे हैं और अपने भक्तों को सद भक्ति देकर
उनको सुख दे रहे हैं और लाभ भी दे रहे हैं जी। सत भक्ति का लाभ उनसे ही मिलता है जी। सर जैसे लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास कैसे हो कि ये जो ज्ञान है वो बिल्कुल हमारे ग्रंथ के हिसाब से है, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये भक्ति जो है संत रामपाल जी दे रहे हैं? देखो जी, विश्वास तो तब होगा जब आप उन ग्रंथों से उस चीज को मिलान करोगे। बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चे को जब किताब के अंदर टीचर पढ़ाता है और ये बताता है बेटा इसमें लिखा है ये चीज ऐसे है, तब उसको विश्वास उस अपने अध्यात्म ज्ञान के अंदर भी अपनी जो होली बुक्स है वही प्रमाण है अपने लिए, और कोई लोक वेद नहीं है। आज तक हम जो भक्ति कर रहे हैं वो लोक वेद के आधार पर कर रहे हैं, जो हमारे पास वो परंपरागत पूजाएं हैं जो हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, हमने उसको कभी अपडेट नहीं किया, कभी देखा ही नहीं, हमने कभी उसको देखा नहीं भी। इसके अंदर जो शास्त्रों के अंदर लिखा वो भक्ति हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे कि सर यहाँ पे एक गीता हमें देखने को मिली है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, तो लोग कैसे ये अपनी हिंदू धर्म की गीता से मिलान कर सकते हैं कि ये गीता सही है या जो हिंदू धर्म की गीता वो सही है? गीता तेरा ज्ञान अमृत एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर परमात्मा ने, अगर मूलतः पर गीता को देखे तो गीता का जो रेट है वो बहुत ज्यादा, अगर बाजार में से गीता लेने जा रहे तो 200-300 रुपए से कम नहीं आते, तो इसको खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि गीता तेरा ज्ञान अमृत हमारे पास जो किताब है वो मात्र 20 रुपए की है, और 20 रुपए में अगर आप गीता तेरा ज्ञान अमृत बुक लेके जाते हो तो आप उसका मिलान अपने मोबाइल के द्वारा आप डाउनलोड करके कहीं भी आप गीता को चेक कर सकते हो। श्लोक नंबर, अध्याय नंबर बिल्कुल सर सेम होगा उसके अंदर, उसमें कोई भी ये नहीं है भी हमारी गीता और वो वाली गीता में फर्क होगा। जैसे सर लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज खुद से किताबें लिख के जो है वो बेच रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सदग्रंथ भी किसी ने लिखे हैं, वो भी कहीं छापे गए हैं, तो सदग्रंथ लिखे गए हैं। अगर लिखा गया चीज गलत है तो आप उसको ये चेक कीजिए भी जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान लिखा है वो गलत है, तो उसको आप दूसरी बुक से मिला के देख लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, वो आपके प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों आपके सामने, आप उसको देख सकते हो। जो मूल गीता और संत रामपाल जी महाराज ने गीता लिखी है उसमें क्या फर्क है? अब गीता अध्याय नंबर श्लोक के 18 के 62 में लिखा हुआ है, सर्वधर्मान प्रतज्ज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्या मोक्षामि मा सुच। उस गीता ज्ञान दाता ने जब ये कहा है भी व्रज का मतलब जाना है, और सर्व अनुवादकर्ता ये लिख रहे हैं भी गीता का व्रज का मतलब आना है, तो गो का मतलब जाना होता है ना कि आना होता है। जब हमारे इस श्लोक के अंदर अनुवाद गलत किया गया तो इसका मतलब ये है मूलतः गीता का जो सरलार्थ है वो ही बदल जाता है, और संत रामपाल जी महाराज ने यही बोला है भी व्रज का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता, और गो का मतलब जाना ही है, और जबकि सर्व अनुवादकर्ताओं ने इसका मतलब आना किया हुआ है। तो इति सिद्धम, जो संत रामपाल जी महाराज ने संस्कृत के श्लोक का जो ज्ञान दिया है वो संस्कृत के अकॉर्डिंगली है, और व्रज का मतलब जाना ही है, आना नहीं होता। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सबसे दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी का ज्ञान का थोड़ा व्यू हमें दिखाया है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे और भी अपडेट देखने के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।